अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिससे पूरा पाकिस्तान आग बबूला हो गया। ये वो तस्वीर है जिसे पाकिस्तान आज भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया है। ये वो तस्वीर है जो आज भी गवाही देती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। ये तस्वीर है दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की। अफगानिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता और वो पाकिस्तान का सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सारा मीडिया अफगानिस्तान के इशू को कवर कर रहा है। हर मीडिया जी अमरुल्ला साले ने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं अफगानियों के बारे में जिस तरह पता नहीं क्या है। ये जाहिल आदमी ने आजी अब्दुल्ला खान ने आजी हथियार डालने वाले का पल्टन ग्राउंड का जो भांजा है या भतीजा है, क्या नाम है इसका, अफगानिस्तान का मसला हमारे बॉर्डर पे आ पहुंच गया है और हमारे यहाँ पे मातम बिछा हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ अफगान अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। इंडियन लॉबी होती है, बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की लॉबी होती है, तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक या तो गुस्सा है या शिकवा है। ना इंडिया माफ करेगा ना अफगानिस्तान माफ करेगा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का ट्विटर पर शेयर किए गए एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। यह तस्वीर है 1971 के पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध का, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दरअसल इस तस्वीर को साझा करने का उद्देश्य उनको पाकिस्तानी सेना को यह केवल बताना था कि पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने वाली सेना है। वह क्या तालिबान की मदद कर पाएगी, क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। पाकिस्तान की धमकियों और अफगानिस्तान के आतंक के बीच अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और ना ही कभी होगी। हाँ, मैं कल एक बार को हिल गया था क्योंकि एक रॉकेट मेरे ऊपर से उड़कर गया और कुछ मीटर दूरी पर गिर गया। लेकिन पाकिस्तान के प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर सकते, कोई और तरीके खोजिए। ये तस्वीर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत से मिली हार और उसके आत्मसमर्पण की है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था। पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ये तस्वीर पाकिस्तान के काले इतिहास का हिस्सा है। इस आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान से आजाद हो गया था और आज उसे ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर इस तस्वीर को शेयर करना एक जरिया था पाकिस्तान को उसके पुराने जख्म और उसकी विफलता को याद दिलाने। ना इंडिया माफ करेगा ना अफगानिस्तान माफ करेगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात है कोई नहीं, एम्बेसडर है कोई नहीं, अफगानिस्तान के साथ एम्बेसडर वापस जा चुका है। अफगानिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता और वो पाकिस्तान का सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सारा मीडिया अफगानिस्तान के इशू को कवर कर रहा है। हर मीडिया जी अमरुल्ला साले ने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं अफगानियों के बारे में जिस तरह पता नहीं क्या। वो ये वो अफगानिस्तान है जहां पे अंदर अनरेस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान पे इस तरह हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान पे इस तरह असॉल्ट कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल टाइम इस तरह वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें इस तरह इंगेज कर लेते हैं कि सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे सोचता रहता है और अफगानिस्तान और दुनिया अफगानिस्तान के बारे सोच रही है। अफगानिस्तान का मसला हमारे बॉर्डर पे आ पहुंच गया है और हमारे यहाँ पे मातम बिछा हुआ है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी क्यामत आने वाली है। वो अपने एम्बेसडर क्यों उठा के ले गए यहाँ से, इसीलिए ताकि हम जो है इसको इस तरह का माहौल बनाएं और हम बन जाएं मासूम और हम बन जाएं जो वो बड़े कि हम मजलूम और पाकिस्तान को जो है दबाएं इस चीज पे। हमारे मुल्क का सारा सोशल फैब्रिक भी तबाह कर दिया है और ऊपर से बातें भी करते हैं। कोई है कोई सोचने वाला इस मामले के ऊपर? क्या पाकिस्तान में वाकई कोई सोचने वाला है इस चीज के ऊपर? अफगानिस्तान के हवाले से एक पार्लियामेंट्री जो रिस्पॉन्स होना चाहिए पाकिस्तान में, ये जो रिस्पॉन्स हम समझते हैं ना कि फॉरन मिनिस्टर दे देगा, फॉरन मिनिस्टर की कौन सुनता है इस वक्त? फॉरन मिनिस्टर साहब तो डिसग्रंटेड हो चुके हैं, उनकी तो अपनी जो भी बात करेंगे ऑपोजिशन उसको रिजेक्ट कर देती है। और ये सारा कसूर किस चीज का है? इमरान खान साहब ने ये जो तंदो तेज पॉलिटिक्स शुरू कर दी है ना, तू मैं पंजाबी के ना फाड़ लो वाली सियासत हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। उसने इतना मुल्क का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, अफगानिस्तान के मामले में हमारे लिए मजीद चैलेंजेस इमर्ज हो जाएंगे और हमें कोई माफ नहीं करेगा।
ना रीजनल कंट्रीज माफ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है, बावजूद इसके कि हमने 3 मिलियन अफगान को 20 साल पनाह देके रखी, ये हमारा कसूर है। वजह से पाकिस्तान में हमने अपना कोई दोस्त नहीं छोड़ा, हर कोई वक्तन फवक्तन हमारा दोस्त रहा और अल्टीमेटली हमने फिर उसके दुश्मन को सपोर्ट करके अपना दुश्मन बना दिया है। और फिर जाहिर है कि उसमें फिर बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि इंडियन लॉबी होती है, बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की लॉबी होती है। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक या तो गुस्सा है या शिकवा है। और हमारे यहाँ चूंकि वहाँ के अंदरूनी हालात से आगाही नहीं होती तो पाकिस्तानियों को ये गुस्सा है कि यार इतना कुछ करके भी ये अफगानी हमसे खुश नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी अवामी सतह पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से मुतालिक एक गुस्सा डेवलप हो रहा है। चलिए ये मुझे बताएं कि चले तालिबान जो हैं जितने मर्जी तादाद में हों वो इतनी तादाद में मुझे नहीं लगते कि अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क पे पूरी तरह वो गवर्नेंस कर सकें, यानी हर सूबे के अंदर हर ज़िले के अंदर जाकर उस तादाद में लोगों का वहाँ पे कंट्रोल करना। तो क्या ये सही वजह होगी अगर मैं ये सोचूंगा कि इस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी जो है वो आइंदा कई साल तक अब जारी रह सकती है? देखिए ये तो बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आता है, सरदस्त तो एक तो कंस्पिरेसी थ्योरी भी है जो ये है कि भाई अमेरिका खुद जानबूझ के चाहता है कि तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तक़वियत मिले और अफगानिस्तान खाना जंगी या की तरफ और इंतशार की तरफ जाए और उसको फिर चीन, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया या रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत वर्तमान में अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है उसके साथ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वहाँ के विद्रोही गुट तालिबान के साथ है। कल ईद के दिन जब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारी नमाज अदा कर रहे थे उसी समय तालिबानियों ने रॉकेट से हमला किया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी हमले के जवाब में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध वाली एक तस्वीर साझा करते हुए जिसमें पाकिस्तान के 96,000 फौजी भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, उन्होंने तालिबानियों को और पाकिस्तान को यह जता दिया है कि आप लोगों का चरित्र कैसा रहा है। इस तस्वीर को साझा करते हुए अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने तालिबानियों को यह भी चेताया है कि पाकिस्तान के समर्थन के आस पर ज़्यादा आप न उलझो क्योंकि पाकिस्तान की सेना कितनी बहादुर है इसको पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान हमेशा से ही डबल गेम या दोगली राजनीति का माहिर रहा है। 9/11 की घटना 2001 में जब अमेरिका में हुई तो अमेरिका तालिबानियों का विरोधी हो गया और पाकिस्तान अमेरिका को भी मदद करने लगा और अमेरिका से इसके बदले में आर्थिक मदद भी लेने लगा। दूसरी तरफ वह तालिबानियों से भी साथ देने लगा और उन्हें सहानुभूति उनकी लेने लगा और उनसे भी कहने लगा कि आप अब जीत रहे हो तब जीत रहे हो। उसके पीछे उसकी मंशा यह थी कि युद्ध जितने लंबे समय तक अफगानिस्तान में चलेगा अमेरिका उसमें उलझा रहेगा और अमेरिका उलझा रहेगा तो पाकिस्तान के मदद की ज़रूरत होगी और उसी नाम पर पाकिस्तान आर्थिक लाभ लेते रहेगा। यही नहीं, आप लोगों को अभी ताज़ा उदाहरण देखने में आया होगा कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया उस दिन जुमे की नमाज हो रही थी और दुर्भाग्यवश एक रॉकेट वहां के मस्जिद पर गिरा। वहां पर उस मस्जिद के गिरने के बाद पाकिस्तान में हो हल्ला इतना मचाया गया कि इजराइल को इतना भी तमीज़ नहीं कि वह जुमे के दिन मस्जिद पर हमला कर रहा है। लेकिन कल ईद के दिन जो तालिबानियों ने हमला किया है जब नमाज पढ़ा जा रहा था उसके लिए पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही है। तो यही पाकिस्तान का दोगला चरित्र है और इसको आज पूरी दुनिया समझने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।